सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो युवा बेरोजगार है। जो जो ये कह के आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान की बात कह के आए और रोजगार की बात करके आए, लेकिन आज उनसे ध्यान भटका करके आज जिन जिन पर भारत लिखा हुआ है उसको बेच रहे हैं, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो सबको एक तरह से ध्यान भटका करके, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन आ गया है और दिल्ली में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल सब पे भारी पड़ रहे हैं, इसलिए ये ध्यान को भटकाना चाह रहे हैं कि हमने कुछ काम किया नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाए रहे हैं। और आज देखिए एक ये भी एक देखा जाए तो सोची समझी रणनीति है, हर दिन आए दिन हर 5 मिनट बाद बलात्कार हो रहा, इसका कोई उचित न्याय? जब जनता आवाज़ उठाती है तो हैदराबाद का एक छोटा सा न्याय दिलवा करके, अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में हजारों ऐसे बलात्कार हुए हैं जिनकी केस भी आज तक दर्ज नहीं हुई। तो ये केवल ध्यान भटकाया जा रहा है। और जब गरीब उठते हैं कि हमारा संविधान लागू हो और हमें दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो यह सरकार केवल ध्यान भटका रही है, इसलिए कि कोई काम हुआ नहीं है। और जो भी चाहे वो धारा 370 हो चाहे राम मंदिर, ये भी एक ध्यान भटकाने का ही काम हुआ है, जबकि जिस तरह कहें उस तरह काम हो नहीं रहा है। तो अब ये जनता को सोचना है, पूरे देशवासी को सोचना है कि सब एकजुट होकर के मिल करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा, जिसमें देश का झंडा हो लेकर के, क्योंकि पूरा देश आदिवासी ओबीसी एससी एसटी दलित मिनोरिटी ये मूल निवासी हैं, बिना कोई संपत्ति नुकसान किए देश का सबको रोड पे निकल जाना होगा और अपने अधिकार को अब मिलना तो है नहीं, इसलिए छीन कर लेना होगा। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।